आज आप आइए हमारे साथ, हम आपको हिमाचल प्रदेश के छोटे से सुंदर से गांव कियार कोटी लेके चलते हैं। ये गांव शिमला से करीब 17 किलोमीटर पड़ता है और कमियाना जहां हम अभी रह रहे हैं वहां से ये करीब 10 किलोमीटर है। और ये 1800 में कोटी के प्रिंसली स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी। तो एक ये हिस्टोरिक विलेज ही है। हमें भी इसके बारे में पहले पता नहीं था। हम जब जाखू टेम्पल गए थे टैक्सी लेके, तो उसके ड्राइवर ने हमें बताया था, टैक्सी वाले ने, वहाँ एक नदी है और नदी के पास ही एक गौशाला है और वहाँ तक जाइएगा तो क्यार कोटी एक गांव है, वहाँ होकर आइएगा। हमने अभी तक कोई गौशाला देखी नहीं थी, हम तुरंत तैयार हो गए और आज सवेरे हम निकल पड़े हैं वहाँ जाने के लिए। इनफैक्ट इतना छोटा सा गांव है कि वी ऑलमोस्ट मिस्ड इट। रोड पे बोर्ड तो लगा था क्यार कोटी का, लेकिन वो इतनी नैरो और स्टीप रोड थी कि हमें लगा कि ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा रही है। तो हम आगे चले गए और आगे हमें कोई मिले, उन्होंने कहा कि आप क्यार कोटी तो पीछे छोड़ के आ गए हैं। तो हम फिर वापस आए और फिर इस सीनिक ड्राइव से होते हुए हम आखिर में क्यार कोटी पहुंच गए। तो आखिर हम क्यार कोटी पहुंच ही गए हैं। ये है यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, हमने कार यहीं पे पार्क की है और अब आइए चलिए गांव को एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ हमें मिले हैं मिस्टर प्रदीप ठाकुर जो यहाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आइए चलिए उनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये तो शायद पैलेस का है ना? ये बिल्कुल, ये पैलेस हैं और यहाँ की जो किंग है मिस्टर अनिरुद्ध ठाकुर जी, तो उनका ये पैलेस है, पुराना वाला पैलेस। और ये सब जो नीचे पॉली हाउसेज वगैरह हैं ये भी उन्हीं के हैं, पॉली हाउसेज वगैरह। और साथ में जो ये सेकेंडरी है हमारी, ये भी श्री अनुरुद्ध जी ने जो है ये डोनेट की है हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए जो है उन्होंने डोनेट की है ये। और इसके साथ ही जो है ऊपर जो शिवालय है, और ये काफ़ी पुराना शिवालय है यहाँ पे। इसमें पूरी जो स्थापना है, चार वेद, 11 रुद्रियाँ भगवान शिव जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और प्राचीन जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी इसमें हैं। और माता का भी यहाँ जो है मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। ऊपर को जो इनका पुराना प्लेस है, जो ओल्ड प्लेस है यहाँ पे, तो ये उस पुरानी रियासत के जो है यहाँ पे ये किंग है यहाँ पे और उसके राजा यहाँ के है। थैंक यू, वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। ये देखिए आज हम कहाँ आ गए हैं, एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने कभी इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा। हम हैं क्यार कोटी में और हम जहाँ रुके हैं कमियाना से, कमियाना से ये करीब 10 किलोमीटर है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रूइंस हैं यहाँ पे पैलेस के, क्योंकि ये जगह जो है ये कोटी, ये यहाँ के प्रिंसली स्टेट की पहले कैपिटल हुआ करती थी। तो यहाँ पैलेस के रूइंस हैं चारों तरफ। ये सब जो आप देख रहे हैं सब पैलेस के रूइंस हैं और ये उन दिनों यहाँ की एक बहुत बड़ी स्टेट हुआ करती थी। और इन रूइंस के साथ आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है यहाँ का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल की बिल्डिंग भी यहाँ के राजा की ही थी जो इन्होंने अभी इस स्कूल को डोनेट की है। यहाँ के अभी जो राजा हैं उनका नाम है ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी, जो यहाँ के अभी MLA हैं। उनका पहले दरबार हॉल होता था, तो यहाँ पे उनका दरबार लगता था राजा का। ये है क्यार कोटी का लक्ष्मी नारायण मंदिर, सुंदर मंदिर है। अभी इस पर कुछ रिनोवेशन वर्क चल रहा है तो बंद है ये, लेकिन बड़ा सुंदर सा मंदिर है। दरवाज़ा देखिए कितना सुंदर है। हम पीछे का दरवाज़ा खुला था उससे गए थे, लेकिन अंदर भी काम चल रहा है तो अभी मूर्ति भी यहाँ से हटा दी गई है। और ये है यहाँ का शिवालय, अंदर जाके देखते हैं क्या है यहाँ। आइए चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। बहुत ही प्राचीन और सुंदर शिवालय है ये, और यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, एकदम शांत जगह है। हम दर्शन करके शिवालय के बाहर आ गए हैं और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये जो छोटी सी पगडंडी जा रही है जहाँ ये कलरफुल ट्री दिख रहा है, ये गांव की तरफ ही जा रही होगी, तो बहुत ही टेम्पटिंग सी वॉक लगी मुझे ये। तो मैंने NK को बोला कि चलो घूम के आते हैं। और बड़ा ही छोटा सा सुंदर सा गांव है, ना हमें ज़्यादा यहाँ घर दिख रहे हैं, लोग भी नहीं दिख रहे हैं सड़क पर एक्सेप्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। यहाँ फ्रूट ट्रीज़ काफ़ी हैं ऐसे, लेकिन अभी छोटे छोटे लगे हैं फल इन पर। और देखिए नरेंद्र ने अपनी वॉक शुरू भी कर दी है
और आगे चल के काफ़ी स्टीप है ये वॉक, और इसीलिए ये स्पीड ब्रेकर जैसा बना दिया है जिससे पैर ना स्लिप करे। हम काफ़ी ऊपर चढ़ के यहाँ आ गए हैं क्वारकोटी में, और शिवालय के बाद आगे एक माता का मंदिर है। ऐसी सड़क है इसलिए गाड़ी नहीं लाए, तो नीचे लोग कह रहे थे स्कूल के पास कि पैदल तो जाना मुश्किल होगा, लेकिन हम देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चल के पहुँच जाएंगे। व्यू बड़ा फर्स्ट क्लास है यहाँ से। और जब इतना सुहाना सफ़र है तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्री है, इनके कुछ पत्ते पिंक पिंक से हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये नीचे भी एक है छोटा सा वैसे ही, देखिए। और इस तरह के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। लीजिए, हम करीब आधा घंटा की ट्रैक करके बोल सकते हैं ऐसी पगडंडी पर आखिर में माता के मंदिर पहुंच ही गए हैं। और सही में है तो बहुत सुंदर जगह, ऊपर देखिए खाली देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे चारों तरफ। चलते हैं दर्शन करने, दोपहर का समय है इसलिए मंदिर का गेट बाहर से तो बंद है लेकिन ग्रिल्स हैं दरवाजे में, सो आई एम श्योर वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। तो हम दर्शन करके अब बाहर आ गए हैं। दरवाज़ा तो बाहर से बंद दिख रहा था लेकिन अंदर संक्रांति की पूजा चल रही थी, तो पंडित जी ने हम लोगों को देखा तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हम अंदर गए। उन्होंने पूजा भी करवाई, प्रसाद भी दिया और बताया कि करीब ये 500 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर देवीधर मंदिर के नाम से मशहूर है यहाँ। तो हमने मंदिर में दर्शन भी कर लिए और हमको अपना सेव भी दिखाओ। हम लोगों को एक एक सेव प्रसाद में मिला। अब ये खाते हुए हम नीचे जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर जगह थी ये। तो अब नीचे जाना तो आसान ही है, ऊपर आते हुए स्टीप चढ़ाई थी कहीं कहीं, तो धीरे धीरे चल के आए हम लोग, बट इट वॉज़ वर्थ कमिंग हियर। और ये इतनी सुंदर वॉक थी कि पता ही नहीं चला कब हम मंदिर पहुंच के दर्शन हो गए और अब हम वापस भी जा रहे हैं। हालांकि सबने हमसे बोला था कि आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर, बट आई एम सो हैप्पी वी कुड डू इट। शिवालय में आज भंडारा था क्योंकि आज संक्रांति है, तो हम नीचे आए तो हमने स्कूल स्टाफ के साथ थोड़ा समय स्पेंड किया और उन्होंने हमें प्रसाद ऑफर किया, और विच वॉज सो मच कि हमारा तो पूरा लंच ही हो गया। बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पर अभी कोई होम स्टे या रिसोर्ट नहीं है, तो ये जो ग्रीन छत दिख रही है ये यहाँ पे होम स्टे बन रहा है। आप हैं शर्मा जी जो यहाँ के प्रधान जी भी हैं, और ये होम स्टे शर्मा जी बनवा रहे हैं और इनके हिसाब से एक दो साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ के रुक भी सकते हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये रॉयल फैमिली का उन दिनों गेस्ट हाउस हुआ करता था फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, एकदम हेरिटेज बिल्डिंग जैसी दिख रही है। यहाँ कुछ काम भी चल रहा था तो लग रहा है कि कोई रिसोर्ट या होम स्टे बन रहा होगा, और व्यू तो यहाँ से कमाल का ही है। ये चिमनियाँ देखिए, मस्ट बी फॉर द फायर प्लेस इनसाइड। ये है सड़क जो क्यारकोटी को जाती है, हम लोग वापस आ रहे हैं, तो बहुत पतली सड़क है। अगर दो गाड़ियाँ आमने सामने से आ गईं तो एक किसी ने तो पूरा ही बैक करना पड़ेगा। क्यारकोटी से 2 किलोमीटर पहले एक है ये गौशाला, तो बड़ी सुंदर सी जगह दिखी थी, और ये भी यहाँ के जो MLA हैं अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने ही शुरू किया है। तो जो गाय लोग छोड़ देते हैं
उनको ये लोग यहाँ पे लाके पालते हैं, खिलाते हैं। और इन्होंने सब तरफ यहाँ पे कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई हुई है। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, गेट पे पार्किंग की चौड़ी जगह है, और हम यहाँ से अब पैदल चलते हैं आगे। ये देखिए पानी की आवाज़ जा रही है, तो ये एक छोटी सी नदी इसके पास है। खूब सुंदर फूल वूल लगे हैं यहाँ। इनफैक्ट हम इधर से अभी जब गए थे क्यारकोटी, तो हमें ये लगा था कोई रिसोर्ट है, इतनी सुंदर सी जगह है ये। चलिए नीचे चल के देखते हैं कैसी गौशाला है। वैसे तो सब तरफ इतने सारे फूल वगैरह लगाए हुए हैं कि अभी तक तो ये फील आ रही है कि हम किसी रिसोर्ट में जा रहे हैं। ये गौशाला भी श्री अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी, वीरभद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये देखिए ये पहुंच गए हम, इसको कहते हैं गोवर्धन धाम। और यहाँ आके लग रहा है कि किसी गौशाला में आए हैं, क्योंकि अब वो गाय की स्मेल आने लगी है। ये गौशाला के साथ ही इतनी सुंदर सी नदी बह रही है, इसकी आवाज़ ऊपर मेन रोड तक जाती है। और एक ये सामने छोटा सा ब्रिज है इसे क्रॉस करने के लिए, बट दिस वॉज फ्रेशली पेंटेड सो इट वॉज क्लोज्ड। यहाँ गौशाला के अंदर आए तो हमने देखा यहाँ काफ़ी सारी गाय हैं, और पूछने पे पता चला कि इसमें से कुछ गाय दूध देने वाली भी हैं और कुछ बीमार भी हैं, तो उसका ये लोग इलाज करवाते हैं, डॉक्टर आते हैं इन्हें बाकायदा देखने के लिए। और काफ़ी साफ़ सुथरी गौशाला है, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी साफ़ सुथरी गौशाला हमें देखने को मिलेगी। ये है गाय के चारे की रेट लिस्ट, इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ गाय को खिला सकते हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ आप लोग गाय को खिला सकते हैं। कई चीज़ें हैं, तो ये है चारा, हरा चारा है ना, तो ये खिला रहे हैं गाय को नरेंद्र। मैं भी फ़ोटो ले रही हूँ। और ले खा चुका होगा, उसका पेट भरा होगा। और डजन लाइक द ग्रीन। गौशाला में गाय को खाना वाना खिला के हम लोग नदी के पास आ गए, और इतना सुंदर लग रहा था यहाँ, तो हम लोग नदी किनारे बैठ के थोड़ी देर पानी से खेले यहाँ। प्लीज गार्डिंग में है, पानी में ना गिर जाऊँ। तो यहाँ लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये लोग आते हैं, और ये सामने खुली जगह है इस बड़े से पत्थर के पीछे, और यहाँ पे लोग पिकनिक करने आते हैं, नदी में नहाते भी हैं। जगह बहुत अच्छी लगी हमें, और ये गौशाला बहुत साफ सुथरी थी अंदर से। तो अभी वहाँ पे जो गायें थी उसमें से खाली दो गाय दूध दे रही थी, और कह रहे थे कि 6-7 लीटर दूध निकलता है, एंड दे यूज़ इट इन देयर किचन ओनली। वहाँ पर एक छोटा सा उनका एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे चाय कॉफ़ी या कुछ बनाने के लिए वो लोग दूध यूज़ कर लेते हैं। और ऊपर देखिए तो पूरी तरफ देवदार ही देवदार है। ये दो कालू भालू यहाँ भी आ गए, तो देखिए वो रिवर क्रॉस करके आ रहा है, और मुझे डरा दिया इन्होंने आके, एकदम मुझे सूंघने लगे। वो ये बहुत सूंघता है भाई हमें काला वाला, तो आए भगवान। एकदम ठंडा पानी है, नहाने लायक पानी है, लेकिन हम लोग बाहर से ही मज़ा ले रहे हैं। और अब शाम होने लगी है, तो सोच रहे हैं वापस चलें। ठंडा खूब है, खूब ठंडी हवा चल रही, क्योंकि चारों तरफ इतने अच्छे चीड़ और देवदार के जंगल हैं यहाँ पे, और यहाँ कोई इतना आता नहीं। सोच के आए थे कि हम 1 घंटे में घूम फिर के वापस चले जाएंगे, और हम लोग 12:30 बजे निकले थे कमियाना से, और अब मुझे लग रहा है क्या टाइम हो रहा होगा, 5 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं, हमें अभी यहाँ से जाने में भी 1 घंटा के करीब लग ही जाएगा। सो वी हैड ए ग्रेट डे टुडे, एक्चुअली बहुत ही इन्जॉय किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी जगह में और इतनी देखने की चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हम जहाँ ऊपर गए वहाँ पर कौन सी जगह आए हैं हम लोग, क्यारकोटी में, तो वहाँ एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मिल गए हमें, जो लोकल ही टीचर थे। उनसे हमारी बहुत दोस्ती हो गई, उनसे हमने 1 घंटे
बैठ के गप लगाई। फिर बाई चांस आज संक्रांति है तो वहाँ पर जो शिव मंदिर है वहाँ पर भंडारा अभी चल रहा था, तो सब टीचर लोग भी खाना मंगवा के प्रसाद वहीं खा रहे थे, तो उन्होंने हमसे भी पूछा, हमने कहा हाँ भी प्रसाद तो खाएंगे ही, तो हमारा लंच भी वहीं हो गया, प्रसाद भी हो गया। और देखिए हम अच्छे से अपना शाम तक दिन बिता के अब वापस चलते हैं। ये हम दोनों का ही पहला एक्सपीरियंस था किसी गौशाला में जाने का और गाय को खिलाने का, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये काफ़ी साफ़ सुथरे भी अंदर से है, अच्छे से वो लोग केयर कर रहे हैं, और डॉक्टर आते हैं इनको चेक करने। एक बेचारी गाय बीमार पड़ी थी तो डॉक्टर वगैरह आते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।